हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने सिंपल कॉम्बिनेशंस किए थे और एक स्पेशल चीज़ में पढ़ी थी, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें फिर से एक बार पढ़ने वाले विद रजिस्टर्स, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहता है। अब बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन के, जो नेम्स के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। जैसे पहला मैं बताऊँ तो पहले को हम लोग नॉर्मली कहते हैं इन्फिनिटी कॉम्बिनेशंस। ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे सर्किट जिसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उन सबको इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जैसे हम अभी करने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए, एक सर्किट लेते हैं, उसके एग्जांपल पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, इनफाइनाइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कैपेसिटर्स इन्होंने रख रखा है और इसमें रख रखा है। अब इन्होंने पूछा है कि इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। ये सारा सर्किट कितनी दूर तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है, ऐसे ही। और सबकी वैल्यू सपोज कर लीजिए सी है, सी माइक्रो फैरेड या फैरेड कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगा? तो ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। हम इस केस में क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस पूरी का एज्यूम कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, सी वन। तो लेट कर लेते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इक्वल्स टू सी वन। सी वन पूरे का हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि पूरे सर्किट का इतना होगा सॉल्व करने पर। अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन हमें अभी पता चल गया कि हमारा आंसर सी वन ही आने वाला है। जितनी वैल्यू दे देगा वही आंसर होगा। अच्छा, पूरे का अगर सी वन हमने एज्यूम कर लिया, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सर्किट को यहीं से ऐसे ब्रेक करके आगे वाले को सिर्फ देखूं, ये दो लोग को छोड़ दें, तो अगर इन दोनों को हम हटा दें तो हमारा देखिए फिर से सर्किट वैसा ही है जैसा दिख रहा है। बस यहाँ पर ए लिख लीजिए ऊपर और नीचे बी, वापस सर्किट रिपीट हो रहा है सेम टू सेम पूरा। तो ये फिर से मेरा क्वेश्चन वही है अभी। तो अभी अगर वही क्वेश्चन है और हमने शुरू में ही पूरे का इक्विवेलेंट माना है, तो जो इतना दिख रहा है इसका भी आंसर कितना होना चाहिए, सी वन ही होना चाहिए। तो ये जो मैंने ब्रैकेट कर लिया, इनको क्लोज कर लिया, ये वाले, इनकी भी इक्विवेलेंट कितनी होगी, इक्विवेलेंट सी वन ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि हमने पूरे का लिया था और उसमें से दो हटा दी, इन्फिनिटी में से दो हटाने के बाद भी वो वैल्यू इन्फिनिटी ही बची रहेगी, ऐसा थोड़ी ना कि उसमें कम होने वाला है। तो इसका भी नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी वन। तो इसको हम एक नया सर्किट मानेंगे जिसका नया नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, सी वन। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। दो लोग को तो हमने छुआ ही नहीं था, ये ऐसे ही थे, यहाँ बी यहाँ ए, इनमें छुआ ही नहीं गया, बस इन दोनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर वालों को एक नया कैपेसिटेंस मान लिया गया, कितना, सी वन। बाकी तो ये सी सी थे ना। देखिए अब ये सर्किट जो बन गया वो किसमें बन गया, इन्फिनिटी से फिक्स वाले में बन गया, एक फाइनाइट सर्किट हो गया। इसमें फिक्स है, तीन कैपेसिटर्स दिख रहे हैं हमें, सी वन सी सी। अब इनको सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, इनका नेट कितना, सी प्लस सी वन, पैरल में है ना दोनों, तो इसका नेट हो जाएगा सी वन प्लस सी। ओके, देन नेक्स्ट सर्किट कैसा दिखेगा, मैं इसको हमने छुआ नहीं, इन दोनों की जगह बस एक बनाया इतने का। तो अभी सर्किट हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। ए बी देखिए, ये अपनी जगह है सी का, इन दोनों की जगह एक नया पान लिया है सी प्लस सी वन, और बी अपनी जगह गया ही नीचे। ठीक, अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं हमें, तो ये दोनों दिख रहे हैं हमें सीरीज में। और सीरीज में कैसे सॉल्व किया जाता है कैपेसिटर्स को, तो सीरीज में दोनों को मल्टीप्लाइड करके दोनों का क्या कर लेते हैं, सम डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, सी वन प्लस सी मल्टीप्लाइड सी, दोनों का डिवाइड में सम करना है, सी वन प्लस सी प्लस सी। अब ये क्या आ गया, इसका नेट आ गया। और याद कीजिए ये नेट किसका है, इसका, और ये कहाँ से बना था, इस पूरे सर्किट से। और पूरे सर्किट का शुरू में कितना मान लिया गया था कि नेट इक्विवेलेंट होगा, सी वन। तो इस पूरे को हमने जब ऐसे सॉल्व किया तो इतना आया, तो पहले से यही माने हो ना, तो इसको पहले से जो वैल्यू एज्यूम की गई उसके बराबर कर लेंगे हम लोग, तो सी वन के बराबर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये सी वन पूरे सर्किट का था, हमने ऐसा एज्यूम किया था। और अभी जो सॉल्व करके ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच कर हमने ये सॉल्व करके निकाला है, ये भी तो वही होगा ना। ठीक,
तो इन दोनों को हमने आपस में इक्वल कर लिया, बस यहीं तक पहुंचना था। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनता है और ईजिली सॉल्व हो जाता है। वहाँ फिर उसके बाद मैथ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक थी कॉन्सेप्ट फिजिक्स की, अब बात करते हैं मैथ की। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनका, यहाँ पर देखिए एक बार में कर रहे हैं, ये हो जाएगा सी वन प्लस टू सी, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन स्क्वायर प्लस टू सी सी वन, है ना। और इधर हो गया तो इधर वाले कैसे लिखे जाएंगे, सी वन सी प्लस सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, सी वन सी और सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए ये सी वन सी है टू टाइम्स, ये इधर आएगा तो एक बार माइनस हो जाएगा, तो सी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, इक्वल किधर, माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। अब इसमें वेरिएबल कौन है जिसको हमने निकालना है, सी वन, मतलब सी क्या है, फिक्स है ना सब जगह, तो कांस्टेंट हो गया। अगर इसको हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन इससे सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य मेथड से, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला होता है क्या, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो बस इसमें कंपेयर कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, जो स्क्वायर वाले के साथ होते हैं वो ए होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर वाले के साथ कितना है, वन है ना, तो हम ए की वैल्यू कितना रख लेंगे, वन। जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, यहाँ पे एक्स कौन होगा, सी वन, क्योंकि वही वेरिएबल है, तो सी वन के साथ कौन है, सी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, सी, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद बचा स्मॉल सी, कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट है ये सी, ये किसके बराबर है, तो यहाँ से देखिएगा तो माइनस सी स्क्वायर के बराबर दिख रहा है। अब इन तीनों को हम एक्स इज़ टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ये श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो सी वन बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितना हमने कंपेयर की, सी, तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर होगा ये हो जाएगा माइनस फोर ए सी, सी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए, टू ए मतलब वन, तो देखिए माइनस सी प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस फोर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो माइनस सी प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक। अब इसमें से सी बाहर निकाल लीजिए तो सी माइनस में प्लस माइनस सी रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। अब इसमें से एक बार प्लस ले लीजिए यहाँ पर, एक बार माइनस, तो माइनस लेने पर दोनों माइनस हो जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो जो पॉसिबल नहीं है कैपेसिटेंस का, तो यहाँ प्लस लेंगे तो रूट फाइव सी में से सी माइनस हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आने वाली है, तो हम प्लस लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना लिखा जाएगा, माइनस सी प्लस सी रूट फाइव बाई टू, सी कॉमन कर लीजिए, सी कॉमन करके यहाँ का देखिए सी कॉमन होगा तो क्या बचेगा, रूट फाइव, फिर यहाँ से बचेगा कितना, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये देखिए आंसर है। हम ऐसे करेंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था सीखना इसमें हमें, जहाँ से सर्किट वापस अपने आप को रिपीट करती है वहीं से हम उस पूरे सर्किट को नया एक एज्यूम कर लेंगे, ये सर्किट इसके बाद से रिपीट हो रही थी इसलिए हम यहाँ से मान लेंगे। अगर सर्किट में ऐसा कुछ होता तो नया एक प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस होते हैं तो हम इसको भी लेते हुए मान लेते हैं ऐसे। देखिए यहाँ से चले दो सर्किट कैपेसिटेंस शुरू में मिले, फिर उसका ब्रेक होते हुए मिलते चले गए, अगर मैं यहाँ से इरेज करता तो फिर एक यहाँ से सेम पैटर्न फिर शुरू हो रहा है, फिर इस वाले को सीवन मान लेंगे। अब सीवन जब मानेंगे तो ये सर्किट फिर से जब जुड़ेगा तो एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं इसमें, ये तो ऐसा ही रहेगा, बस इधर वाले को कि नया सी वन मान के, अब देखिए यहाँ पे दो पैरेलल फिर तीन सीरीज में हो जाते हैं, बस इतना फर्क होता है। और जैसे ही इसको फाइनल निकालते इस मेथड से, लास्ट में बराबर किसके करना है, सी वन के, और फिर क्वाड्रेटिक बना के इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो ये थे हमारे पास इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस। चलिए एक और कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ लेते हैं आज, फिर बचे हुए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो होंगे नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। इस वाले में पढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट, कि शॉर्ट सर्किट जो होते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं और सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई अप्लायंसेस है घर में, हम देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, मिनिमम दो टर्मिनल्स तो होते ही होते हैं, एक प्लस के लिए और एक दूसरा किसके लिए, माइनस के लिए होता है। अब जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ इसको ए से जोड़ा है इसको बी से, बी मतलब जनरली हम लोग समझने के लिए माइनस मान लेते हैं वोल्टेज, और इसको प्लस वोल्टेज, तो ये हाई है माइनस है, मतलब लो है, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा क्या, चार्ज, तो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा मतलब ये हमारे काम का है, इसके अंदर चार्ज जा रहा है, स्टोर हो रहा है।
अगर मैं कहता कि ये भी बी की जगह ए ही है सेम पोटेंशियल का, तो आप सोचिए ये भी बराबर ये भी बराबर, दोनों पावरफुल है सेम इक्वल पावरफुल, तो कौन किधर चार्ज भेज सकता है, ए इधर भेज पाएगा या नहीं, इधर भेज पाएगा नहीं, तो इस कैपेसिटर में चार्ज क्रॉस होगा नहीं, तो ये किसी काम का है ही नहीं। तो हमें बस इतना पहचानना है कि सर्किट में ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं जिनके दोनों टर्मिनल से दोनों प्लेट सेम पॉइंट से या सेम पोटेंशियल से जुड़े हैं, उनको हम सीधे निकाल देंगे, बस इतने शॉर्ट सर्किट में ध्यान देना है। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं किस टाइप से पहचाना जाता है। मैं एग्जांपल लूँ अगर एक क्वेश्चन का, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए है ए है बी है, अब इन्होंने पूछा कि अगर सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है तो जरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए सर्किट का, मतलब ए और बी के बीच में से भी एक कैपेसिटर लगाना है उसकी वैल्यू कितनी रखे, काम चले उतना ही जितना ये लोग कर रहे हैं, तो इसको चेक करके शॉर्ट है या नहीं है चेक कैसे किया जाएगा। तो हमने पॉइंट को ट्रांसफ़र करना सिखाया था कि अगर ये ए है यहाँ तक वायर, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए होगा, वायर वायर थ्रू पॉइंट चेंज नहीं होता, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अच्छा ये ए है यहाँ से यहाँ तक वायर, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा, नो चेंज इन पोटेंशियल, फिर यहाँ से यहाँ तक भी पोटेंशियल क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। अच्छा इस पॉइंट पे ए जाएगा लेकिन यहाँ बीच में कैपेसिटेंस, तो ए नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, डी नया मान लेते हैं। अच्छा ये भी क्या हो जाएगा, डी, ये भी क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सेम वायर है, ओके नेमिंग हो गई उधर की। इधर आइए अगर ये बी है तो यहाँ तक वायर है तो बी होगा, ये भी वायर ही वायर है तो बी, ये भी वायर वायर है तो बी, बस सबके नाम हो गए। अब चेक करिए कौन सा ऐसा कैपेसिटेंस जिनका दोनों टर्मिनल सेम से जुड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो भाई साहब लोग हैं, ये एक दो तीन चार ये लोग, इनका एक एक टर्मिनल तो कहाँ पे जुड़ा है, डी पर, लेकिन एक एक कहाँ जुड़ा है, ए ए ए पर ना जुड़ा है। अगर हम घूम कर इधर से आते कि हम चलिए चार्ज ए से दे भी रहे हैं, तो ऐसे चार्ज जाता इधर से आता कुछ और कुछ इधर से आता, तो आ कहाँ रहा है, ए पर ही ना, जा ए से रहा है ए पर ही आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम से जाए और सेम पर आए। अगर हम दोनों प्लेट ए पर जोड़े बोले कि ए से जा रहा है और ए पर आ रहा है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि सेम पोटेंशियल है, तो ये वाले सर्किट क्या है, बेकार है। और ये ऐसे भी दिए जा सकते थे तब तो और अच्छे से दिख जाता, इनको ऐसे अगर जोड़ देते हम तो वैसे भी देखिए एक ही पॉइंट पर, मतलब जैसे होता नहीं हमारे पास तीन चार वायर हैं एक अलग अलग बोर्ड में डालना होता है सॉकेट सॉकेट में, सबको एक साथ लपेट कर एक में डाल दे, काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, शॉर्ट चल जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट जल जाएगा। तो ऐसे केसेस को हम पहचान सकते हैं आराम से, अगर सब पॉइंट एक ही जैसे हैं तो वो पूरा पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, तो इधर का तो खराब हो गया, ये पूरे के पूरे सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट, बचा कौन इधर, कैसे चेक करेंगे ये सही भी है या गलत है। तो इनके एक टर्मिनल्स ए पर है दूसरा कहाँ पर, बी पे, सही है, एक ए पर एक बी पर, सही है, और जब एक एक ए पर हो और दूसरा दूसरा दूसरे पर हो तो ये दोनों आपस में किस में चले जाते हैं, पैरेलल में, और सी दो बार पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ सी, इस सर्किट का ये आंसर हो गया, वो वाले बेकार हो गया, किसी काम के नहीं है, ठीक। एक और कर ले, इसमें पहचानने का तरीका देखिए, हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरह का सर्किट है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर्स दो रखे हैं इन्होंने। अब पूछा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तो ए और बी के बीच में कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें एक और चीज़ हमें सीखनी है, इनको देख रहे हैं ये जो हैं लोग, ये लोग इनका एक टर्मिनल खुला है ओपन है किसी काम का नहीं, अगर हम एक बल्ब को लें और उसके दोनों टर्मिनल में से एक को सॉकेट में डाल दें और एक को बाहर रख दें, कोई काम का नहीं है, तो ये एक टर्मिनल इसका एक प्लेट क्या ओपन है ना, तो ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, एक तो बेकार है, एक जुड़ा है मान लेते हैं लेकिन एक तो खुला है ना, ओके। अच्छा ये वाला तो ये तो दूसरे से जुड़ा है बी से ना, तो इसको मत हटा लीजिएगा, इसी के बीच में निकालना ही हमें, तो इसको लोअर पोटेंशियल इसको हायर पोटेंशियल मानते हैं, ये मानते हैं। अच्छा अब जो खराब थे उनको हम ख़त्म कर लेते हैं, ये वाले ओपन थे इसलिए बेचारे बाहर निकल गए, अब शॉर्ट सर्किट देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये बी है तो यहाँ बी जाएगा नहीं, बी से बी यहाँ जाते हैं लेकिन रास्ते में ये पड़ रहा है तो इसका नाम लिख लेते हैं डी। अच्छा ये डी है तो ये वायर वायर है तो ये क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे डी से डी जाएगा नहीं, बीच में कैपेसिटर पड़ा तो इसका नाम लिख लेते हैं ई, यहाँ पे क्या होगा यहाँ से ए, सारे नेमिंग हो गए, यहाँ भी कोई नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐप,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, तो इन दोनों कैपेसिटर को मैं सीरीज में जोड़ सकता हूँ आराम से, ऐसे सीरीज में हो जाएगा। तो मान लीजिए सी सी सब के हैं, तो सीरीज में क्या हो जाता है, 2 बार है तो कितना हो जाएगा, सी बाई टू। अच्छा, इन दोनों की जगह सिर्फ एक हुआ, लेकिन ध्यान सोचिए जो एक बनेगा कैपेसिटर फाइनली, उसका एक टर्मिनल कहाँ पर होगा, डी पर, और दूसरा भी कहाँ पर होगा, डी पर। तो अगर एक कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल सेम पर हैं तो किसी काम का नहीं है वो। अगर किसी काम का नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ये था शॉर्ट शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंग हमने उसको हटा दिया। अब बताइए, ये सर्किट सिंपल दिख रहा है, ए और बी के बीच में, ये दोनों सीरीज में जोड़ लीजिएगा, और जब सीरीज में जुड़ जाएगा सी बाई टू हो जाएगा, तो सर्किट ए से लेकर बी के बीच में, एक इन दोनों का सी बाई टू, फिर एक सीधा था सी का, फिर एक घूम कर आया था सी का, ये भी था ना सी सी का, अब यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है। देखिए तीनों किस में दिख रहे हैं, मैं पैरेलल में दिख रहे हैं, तो सी 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 बाई टू कितनी बार हो गया, टू, और ये 1/2 तो कितना हो गया, 2.5 सी या 5C/2, सिंपली आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो शॉर्ट सर्किट पहचाना सीख लीजिए, कैसे पहचाना जाएगा, नेम लिखिए उनका, नेम के अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट है या नहीं है। और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट पे, करिए उसको, प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप हमसे, या और कोई तरीका तो है नहीं वैसे, खैर अभी। चलिए अच्छा, एक लास्ट शॉर्ट सर्किट का एक और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए इसको यहां जोड़ लेते हैं, इसको यहां जोड़ लेते हैं, और एक यहां पर नाम लिख लेते हैं, एक यहां पर, ए और बी। और हमसे पूछ लिया जाए कि अगर सब कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, फाइंड आउट नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब फिर से शॉर्ट सर्किट चेक करने से लिए नाम लिख लेते हैं सबका, ए ये है तो एक टर्मिनल तो इसका ए पर जुड़ा है, दूसरा कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर, तो इसका नाम लिख लेते हैं डी। क्यों, क्योंकि ए तो यहाँ पे आएगा नहीं, बीच में कुछ पड़ जा रहा है, ए तभी ट्रांसफर होता जाएगा जब तक वायर के बीच में कुछ ना पड़े, ना बैटरी ना कोई कैपेसिटेंस या ना रजिस्टर। तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो कुछ मिला नहीं, तो अगर डी है ये, तो ये भी कौन सा होगा, डी होगा। ठीक, इसका नया नाम लिख ले, क्योंकि डी से यहाँ चले आएंगे तो डी के रास्ते में यहाँ पड़ रहा है, इसका नाम ई लिख लेते हैं। चलिए, नाम सबका हो गया, कहीं छूट नहीं रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनके एक टर्मिनल डी पर हैं और दूसरे कहां पर है, ई पर, तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल। हमने चलिए जोड़ भी लिया इसको, मान लीजिए जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, सी और सी का कितना हो जाएगा, सी बाई टू। तो इन दोनों की जगह हमने कर लिया एक, कितने का, सी बाई टू का, बाकी लोग सी के हैं। अब देखिए जरा, इन दोनों को अगर हम जोड़ते, किस में जोड़ते हैं फिर, फाइनली सी सीरीज में, सीरीज में जोड़ने के बाद जो एक आएगा रजिस्टर कैपेसिटर्स, उसका एक टर्मिनल डी पर है और दूसरा कहाँ पे पड़ेगा, ये भी डी पर है। देखिए इन दोनों को अगर हम एक बना लेते हैं तो एक डी पर है, दूसरा भी कहाँ पे, डी पर, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट। ये वाला सर्किट बीच से क्या हो जाएगा, गायब। और एक बड़ा अच्छा लॉजिक रहता है कि अगर यहाँ से करंट आए या चार्ज आए तो उसको कौन सा रास्ता पसंद होगा, जिस रास्ते में कोई रुकावट ना हो। तो यहाँ आता तो बीच में गैप होता है, कैपेसिटर के प्लेट में गैप होता है ना, तो उसको क्रॉस करने में या इंड्यूस्ड होने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये रास्ता इसको मिल जाए तो इसमें तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, आराम से इससे फ्लो करता हो जाएगा, तो इस रास्ते से नहीं जाता, वो इससे चला जाता। तो बताइए इन सबका कोई यूज़ था क्या, कोई यूज़ नहीं था, वो यहाँ से निकलेगा ऐसे घूमते 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 चला जाएगा, तो बीच वाले तो बेकार हो गए। तो हम वैसे ही बीच वालों को जो बेकार हैं उनको क्या कर लेते हैं, हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ये रहे गायब। अब सोचिए कितना ईजी हो गया सर्किट, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, तो सी और सी का सीरीज क्या हो जाएगा, सी बाई टू। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं शॉर्ट सर्किट के, इन्फिनिटी कॉम्बिनेशंस के, आप करिए उनको, प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आते हैं नॉर्मल सी बात है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।